टॉर्क फाइंड करना है व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स एक्स दैट मस्ट बी अप्लाइड एट सी पॉइंट सी के ऊपर मैक्सिमम कितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है इन ऑर्डर टू स्टॉप द डोर फ्रॉम टर्निंग डोर को टर्न करने से स्टॉप करने के लिए नेम द प्रिंसिपल अप्लाई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम साथ ही हम लोगों ने प्रिंसिपल का भी बताना है तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन डाटा है वो कितना है टॉर्क जो कि हम लोगों ने फाइंड करना है उसके अलावा फोर्स क्या है हमारे पास एफ इज इक्वल टू एल्फा जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी है सो सॉल्यूशन विल बी सबसे पहले क्या करेंगे हमें टॉर का फॉर्मूला पता है विच इज इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ विच इज इक्वल टू ए बी क्रॉस एफ क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास क्या है ए इंटू बी पुटिंग वैल्यूज जब हम लोग इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है स्टूडेंट एट इन टूर्टी न्यूटन मीटर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या है 72 न्यूटन मीटर पार्ट बी के अंदर हमारे पास क्या चीज है स्टूडेंट्स सेकेंड कंडीशन ऑफ एक्विलीब्रियम को अप्लाई करते हुए हम लोग क्या करेंगे फोर्स को फाइंड करेंगे अप्लाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्वी लिब्रीम सेकेंड कंडीशन क्या है सम ऑफ ऑल टॉक्स विल बी इक्वल टू जीरो सो टॉ ए सी इज इक्वल टू टॉ सी बी उसके बाद क्या होगा इनकी वैल्यूज हमारे पास क्या है ए सी क्रॉस ए अल्फा इज इक्वल टू टॉ सी बी अब हम लोग क्या करेंगे फोर्स को एक साइड पे रखेंगे और बाकी वैल्यूज राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे सो एल्फा विल बी इक्वल टू टॉ सी बी डिवाइडेड बाय ए सी सो टॉ सी बी विल बी इक्वल टू टॉ डिवाइडेड बाय ए सी इसमें जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे वैल्यूज पुट करने के बाद अल्फा विल बी इक्वल टू सेवेंटी टू बाय पॉइंट टू विच इज इक्वल टू सो so, हमारे पास जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स सिक्सटी न्यूटन के ये है हमारे पास वो टॉर्क और फोर्स जो कि हमें जरूरत थी क्या करने के लिए एक डोर को पुश करने के लिए और जो यहाँ पे प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा है स्टूडेंट्स उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मूमेंट्स थैंक यू